वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो दोस्तों, आज की वीडियो है द कपिल शर्मा भाई शो है उनका, और इंडियन टीम के जो चैंपियन है रोहित शर्मा वो वहां पे आए हैं। देखते हैं क्या बातें होती हैं, प्ले करें। और अगर कहीं भगवान ना करे हार जाओ तो जितनी मर्जी इंग्लिश आती हो निकलती भी नहीं है। देखा रोहित भाई को कैप्टन को बड़ा मानते हैं लोग, पिच पे तो मानते मानते पीछे जब आ रहे थे एंट्री बच्चों के साथ लेनी है तो दुबे जी कह रहे थे जो कैप्टन बोलेगा हम वही करेंगे, बच्चे जो मर्जी करे। ये एक अच्छी टीम की पहचान है। जब हम बारबाडोस में थे, हमारी फ्लाइट नेक्स्ट डे की थी, हमें पता चला फ्लाइट नहीं उड़ने वाली है, हमको यहाँ पे दो दिन और रहना ही है, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया हरिकेन आया हुआ था, तो सब एयरपोर्ट वेयरपोर्ट सब बंद कर दिया था। तो मैंने बोला अब क्या रूम में जाके क्या सोओगे, इधर ही सो जाओ नीचे। तो हमने सबने पूरी रात पार्टी की। अच्छा है ना, पार्टी करने का मौका मिल गया। बिल्कुल, और हम लोग होटल में ही थे, हम कहीं बाहर नहीं जा सके क्योंकि बाहर कुछ अलाउड ही नहीं था, सारे मतलब सब कुछ बंद हुआ पड़ा था। तो हम लोग होटल में ही थे, सबने काफ़ी मजे किए। ओके, वो जो आपने किस्सा किया वो तो बता दो रोहित भाई। आपने जो बोला था वो, हमारे दो फिजियो चले गए थे ऊपर, तो ढूंढ रहे किधर है, दो जन मिसिंग है, फ़ोन किया, सो रहे तू नीचे आ, 5 मिनट में नीचे आके सब डांस करने लगे दोनों। नहीं, ये वाला आंसर टीवी के लिए है, जो सच है वो वाला पूछा उन्होंने। सच वाला बताओ जो बीच पे आप रहे हो पूरा दिन। और श्रीप का कहना था कि बीच तो ठीक है, बीच के बीचों बीच क्या हुआ वो एक्चुअली जानना चाहते थे। वो तो अर्श ही कर सकता है कुछ, क्योंकि वही एक बैचलर है। अच्छा, बैचलर आदमी बिल बड़ा फटता है ना हमेशा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाजी, मजे हैं। अब जो ये लोग, मैं शॉपिंग कर सकता हूँ, ये लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे फंस जाते हैं। मेरा बिल बड़ा भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं कुछ फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछूंगी आपसे। किस किस को प्यार करूँ, कोई है हमारे क्रिकेटर्स? नहीं, कहने का मतलब फ्लर्ट कौन है सबसे ज्यादा? नहीं, वो मूवी इन्होंने की है, टाइटल भी नहीं के लिए है वो। वो हम नहीं ले सकते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा खिलाड़ी तो यही है। हाँ, मुझे कहाँ खेलते देख लिया आपने? अरे इसी स्टेज पर हर बार हीरोइन खेलते रहता है। बातें ही होती रोहित भाई, बातों में क्या होता है? तो बातों में भी तो खेलना होता है भैया। नहीं नहीं नहीं, वो आंख मिचोली खेलता है तू, फ्लर्टिंग करता है। हाँ, पर वो बातों में इतना मजा नहीं। अक्सर हमारे यहाँ पे शो में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ना किसी आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस अगर ढीला चला जाए ना, तो वो शो का खत्म होने का इंतजार नहीं करते, वो बाहर बाहर से वैनिटी में भी नहीं बैठते, वो सीधा ही गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं। जब आपको एक ओवर में 24 रन पड़े, आपको कंबल नजर आ रहा था, वो कंबल उठाई वाला ही आ रहा था। नहीं, मैं भाई जैसे रोहित भाई ने बोला ना कि पंत उधर लेटा पड़ा था, मैंने बोला जल्दी कर मेरी ओवर तो भूलने दे, कोई बॉल डालेगा तो दूसरे लोगों को तो मैं भी उसके साथ ही खड़ा हूँ कि क्या कर रहा है, उसको क्या हो गया ये वो। तो मैं मतलब ऑब्वियसली 5 मिनट के लिए तो फट गई थी, और सबका एटीट्यूड वैसा था कि आखिरी बॉल तक कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि मैं अपने आप को अगर डाउन रखूंगा तो ऑब्वियसली मेरी बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी ऐसा असर पड़ेगा। तो मैं भी फिर भागने लगा, दौड़ने लगा, बट मैं बाउंड्री में भी गया, लेकिन किसी ने गाली वाली नहीं दी, तो वो एक बहुत अगर इंडिया में ये मैच होता तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि तुरंत गाली आ जाती वो 15वीं ओवर के बाद। लेकिन उधर मैं बाउंड्री पे गया तो सब चीयर कर रहे थे, और रिजल्ट आप देख सकते हो फिर क्या हुआ। तो पटेल, मैं कुछ क्यों कार्ड दूंगा रोहित भाई आपको, आपको अपने ऐसे पकड़ना है, आपको नहीं पता कि ऊपर क्या लिखा है। ये चारों कोई भी एक एक करके आपको इशारे से बताएंगे कि उस पर क्या लिखा हुआ है, और आपको गैस करना है। रेडी रोहित भाई? यस। लाओ
ये लीजिए पाजी, सूर्य आ गया। सूर्य का एक्टिंग में फ्यूचर ठीक है। बिली बॉर्डर, इनकी ट्यूनिंग कितनी अच्छी है, वाह क्या बात है। ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये ऐसे आउट देते हो? अच्छा हाँ, तुम भी आ जा। ऋतिक रोशन, यार क्या बात है यार। मुझे लगा शायद सोचे कि ऐसा कौन सा करेक्टर जो ऐसे करता है। ओके ये सब नहीं, ये करता पहले थोड़ा सा बिल्डअप दे देता हूँ थोड़ा। ये बस माइकल जैक्सन अस्तित्व का करियर भी ठीक है। ये सूर्य करेगा। फिक्शनल करेक्टर है कुछ। हाँ स्विंगर, क्रिकेटर है क्या? नहीं नहीं, नाम क्रिकेटर नहीं है। बुमराह? नहीं नहीं, स्विंग कौन डालता है? हाँ अपने टीम में इन स्विंग बोलर है पुराना साउथ अफ्रीका। कौन था? हाँ डोनाल्ड डक। ओके कप्तान होशियार है भाई सब। नमस्ते। सात करोड़ यार। अरे वो ये और ये 7 करोड़ क्या है भाई? इतना बात करते हैं यार, थोड़ा झुकना पड़ेगा। मेरे को ही गाली दे रहा है वो। क्या आप समझ नहीं पा रहे भाई? अरे खीर खा के मर जाओ ना यार, क्या कर अमिताभ बच्चन। ये टैलेंट आपका है। आजकल बड़े सारे लोग हैं जो मल्टीटास्क करते हैं, जैसे अर्शदीप बॉलिंग तो अच्छी करते हैं मजेदार, ये पोएट्री बड़ी अच्छी करते हैं। सिद्धू पाजी को फॉलो कर रहे हो आप? आगे चल के मतलब कमेंट करके बताइए। अच्छी करते हैं याद आ गया, वो भी अच्छी करते थे, उनका दिन खराब चल रहा था। हेलो कपिल, मेरा नाम हितेश्री है और मैं स्कूल में टीचर हूँ। आज मैं जरा CL लगा के आई हूँ। आई हैव अप्लाइड फॉर लीव कि आज मुझे तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा। क्योंकि रोहित सर को देखना था। तो आपकी प्रिंसिपल के घर में नेटफ्लिक्स नहीं आता है? एक फरमाइश है मेरी रोहित सर से। रोहित सर आपके एक रील भी बड़ी वायरल हुई थी, तो अगर थोड़ा सा अगर आपके साथ हो सके तो सर प्लीज 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 कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? डांस टीचर, प्राइमरी सेकेंडरी दो। यही वाला कराती हैं? दोस्तों जैसे हमने आज वर्ल्ड कप, यार बहुत मजा आया। ये सब क्रिकेटर्स इंडियन भाई यहाँ पे आए हुए थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और मजाक मस्ती भी कर रहे थे। कैप्टन जो है वो थोड़ा बहुत शर्मा रहा था, बट वो भी भाई अच्छा लग रहा था, हैंडसम लग रहा था। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा भी। सही बात है यार, हमने अपने फेवरेट को देखा रोहित शर्मा, यार मजा आ गया, एंजॉय किया उसका यार। बातें सुनी ना और बड़ा तेज है यार, कैसे वो बता रहा था, वो इशारे कर रहे थे और ये बता रहा था। रोहित शर्मा हमारा कैप्टन भाई बड़ा अच्छा है यार, हमारा नहीं है, हम पाकिस्तानी इसको पसंद करते हैं भाई, हमारे बाबर आजम भी अच्छा है कई गुना, कितनी तेज गेम खेलता है, मैं फेवरेट है मेरा। हाँ आज तो मजा आ गया देख रहे इंडियन क्रिकेटर को देखा ना, खासकर रोहित शर्मा नोक झोंक कर रहा था भाई, उनको इशारे कर रहे थे, वो हर चीज से भाई सवाल और जवाब फटाफट से बता रहा था, और लास्ट में जो भाई साहब ने डांस की ना भाई, उसने तो मजा चला दिया। आज तो जबरदस्त भाई, इंडियन सारे जो क्रिकेटर है ना भाई,
और खासकर रोहित शर्मा मुझे अच्छा लगता है, बस जबरदस्त। कपिल शर्मा भी उस सिद्धू भाई जी को याद कराए, ठोको ताली सरदार जी को बोला, तुम थोड़ा शेर व शायरी करो ना, वो करता तो वो होता तो और मजा आ जाता। ये दूसरी नपुंसक बेटी उनको हंसती रहती है। इंडिया के क्रिकेटर जो है नौजवान फिट है यार, हमें बहुत मजा आ गया उनका प्रोग्राम वीडियो दिखा हमने और कपिल शर्मा का, तो यार हमें ये जो है ना पता चला कि क्रिकेटर यार जो इंडिया के है ना वो तो खेल के मैदान में तो बहुत अच्छा खेलती, लेकिन आज वीडियो में जो एक वीडियो में कपिल शो में हमने उनको देखा तो उनकी जो है ना याददाश्त भी बहुत अच्छी है यार, उन्होंने फटाफट उनको जो है ना इशारों में जो सवाल नाम बताए ना यार, दिलचस्प ये मुकाबला था, हमें ये मुकाबला बहुत पसंद आया।